हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर बरूरी के समीप कोठो मोड़ पर पहाड़ी दरकने से करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। करीब आधे घंटे बाद मलबा हटाए जाने के बाद यातायात को सुचारू किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा रहा। सैकड़ों वाहन इस जाम में फंसे रहे, वहीं वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। SDM अजय यादव सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, बस संबंधित कंपनी को उचित दिशा निर्देश दिए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। गौरतलब है कि जहां पहाड़ी दरकी है वहां और पहाड़ी गिरने के पूरे आसार है, जिसके बाद उपमंडलाधिकारी अजय यादव ने संबंधित कंपनी को जल्द उचित कदम उठाने के आदेश दिए ताकि किसी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। कोटो मोड़ के पास जहाँ पे 4 लेन का कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण हो रहा था। बरसात की वजह से पास की पहाड़ी थोड़ी सी सड़क के नीचे आ गई थी, जहाँ पे जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम दोनों तरफ लग गया था। ये जाम करीब 20 मिनट के आसपास लगा रहा, बट आगे किसी को और परेशानी का सामना न करना पड़े तो आगे व्यवस्था की जा रही है। जो अभी 1 लेन बना हुआ है इसको 2 लेन जल्द से जल्द किया जाए। ये बात आप जो बोल रहे उचित है, यहाँ पे साइन बोर्ड होना चाहिए और साइन बोर्ड अभी आने वाले घंटे में लग जाएगा। यहाँ पे साइन बोर्ड के साथ साथ यहाँ पे चेतावनी भी दे दी जाएगी कि पत्थर गिरने का अंदेशा है। जो आपकी बात है वो सही है, इनको टाइमली करना चाहिए था, हालांकि वो यहाँ पे था नहीं, वो आज हो जाएगा। जो अरीफ कंपनी है जो इस निर्माण कार्य को कर रही है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि उनकी 2 मशीनें JCB और लोडर हर समय इसी स्थान पर मौका पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना घटित हो। सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर उनको बोल दिया गया है कि 2 फ्लैगमैन हमेशा वो तैनात रखेंगे, जो लोगों को चेतावनी देते रहेंगे कि यदि कोई ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं या फिर से स्लाइड हो रहा है, ताकि उससे लोगों की सुरक्षा हो सके। और साथ ही हमारी जो हाईवे पेट्रोल जो है पुलिस की, वो भी इसी मौका पर उपस्थित रहेगी और निरंतर जो है इस पर निगरानी बनाए रखेगी। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।